अंकिता से पूछताछ करने पहुंची बिहार पुलिस। 3 किलोमीटर पैदल चलकर टीम पहुंची अंकिता के घर। गाड़ी देकर अंकिता ने की बिहार पुलिस की मदद। वेल, आखिर कितनी देर तक चली अंकिता की पूछताछ और क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस की हर एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। बीते 2 दिनों में बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े काफी लोगों से मुलाकात की और सबूत भी इकट्ठे किए हैं। लोग बिहार पुलिस की इस फुर्ती को देख काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस इतनी तेजी से ही काम करती रही तो जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। इस बीच बिहार पुलिस ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड भी बिहार पुलिस को दाद देने से खुद को नहीं रोक पाई। बताया जा रहा है कि आज बिहार पुलिस अंकिता लोखंडे के घर पूछताछ के लिए पहुंची। वहीं कोविड-19 के आउटब्रेक के चलते बिहार पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। न्यूज नेटवर्क 18 की माने तो लोकल ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से बिहार पुलिस को 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। जब ये बात अंकिता लोखंडे को पता चली तो उन्होंने बिहार पुलिस को अपनी जैगवार कार ऑफर की ताकि बिहार पुलिस को दोबारा 3 किलोमीटर पैदल न चलना पड़े। बताया जा रहा है कि अंकिता के घर पहुंचे बिहार पुलिस वहां करीब 1 घंटे रुकी और उनसे पूछताछ की। इसके बाद अंकिता ने उन्हें अपनी जैगवार दी ताकि वो डेस्टिनेशन तक जा सके। इस कार के सामने वाली सीट पर अंकिता के भाई और पीआर नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे बिहार पुलिस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की टीम ने उनसे करीब 30 सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने क्या क्या पूछा है इस बारे में जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वेल, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।